इसने कहा है कि एक गैस सैंपल है जिसमें वॉल्यूम V1 से क्या हो रहा है V2 चेंज हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन. अब तीनों ही केस में ग्राफ के थ्रू समझो इसको कि इस केस में किस में गैस ज़्यादा वर्क करेगी. मान लो पी वी ग्राफ बना लिया आपने, क्या बना लिया पी वी ग्राफ. वॉल्यूम दोनों में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, प्रेशर भी तीनों में चेंज होता है, ठीक है. तो पी वी ग्राफ बना ले. तो इस केस में जो आइसोकोरिक प्रोसेस में पी वी ग्राफ ऐसे बनता है, वर्क जीरो होगा इसके केस में आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है. आइसोकोरिक प्रोसेस का पी वी ग्राफ ऐसे बनता है, नहीं देर का मैं बता रही हूँ. आइसोकोरिक प्रोसेस तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का ये बनेगा ग्राफ, आइसोथर्मल का ये और आइसोबारिक का ये. तो सबसे ज्यादा ये किसका है, आइसोकोरिक का, ये किसका है, एडियाबेटिक का, ये आइसोथर्मल. क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया कि किसको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, किसमें एक्सटर्नल, इसने तीनों को ही मिक्स कर दिया कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है. वॉल्यूम जो चेंज होता है वो बस आइसोकोरिक प्रोसेस में नहीं होता, इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम नहीं दिया चारों में, ठीक है. तो वॉल्यूम चेंज उसमें नहीं होता, आइसोथर्मल में भी होता है, आइसोबारिक में भी होता है, एडियाबेटिक में भी हो रहा है. तो किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा वॉल्यूम V1 से V2 करने में, तो इसमें जो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा वो आइसोबारिक प्रोसेस में करना पड़ेगा, इसका अंडर का एरिया सबसे ज़्यादा आएगा, फिर आइसोथर्मल का, फिर एडियाबेटिक का. अगर पूछ ले किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अगर वॉल्यूम V1 से V2 में फिक्स हो चेंज हो रहा है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा आइसोबारिक में, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक में. तो इसका आंसर बी आ जाएगा. आया समझ, ग्राफ के थ्रू समझनी पड़ती है कुछ क्वेश्चन. हाँ तो ये आइसोबारिक ही होएगा इसमें. फिर अब मैंने भी एक दिन से नहीं देखा कि आइसोबारिक या आइसोथर्मल ग्राफ के थ्रू. इसमें तो वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, तो इस केस में ये तो बोलना ही नहीं कि किसको कांस्टेंट रखना है. अब अगर इसमें आइसोकोरिक की बात होगी ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जो है V1 से V2 चेंज हो रहा है, V1 से V2 चेंज हो रहा है. तो इस केस में किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा वर्क जो है इसमें, वैसे भी जनरली सोचो कि अगर आइसोबारिक प्रोसेस में जितनी आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो वो दो पार्ट्स में जाती है, तो V1 से V2 में शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, गैस ज़्यादा वर्क करेगी उस केस में, और आइसोथर्मल प्रोसेस में तो तुरंत हो जाएगा. तो ऐसे भी सोच सकते हो कि आइसोबारिक प्रोसेस में दो पार्ट में जाती है वर्क डन बाय V1 से V2, तो फाइनल सिचुएशन तो सबकी V2 ही है, तो उसमें जो गैस ज़्यादा आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो वर्क डन बाय, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी भी सप्लाई करोगे सारी ही गैस वर्क कर देगी. या फिर इसको ग्राफ के थ्रू ज़्यादा बेटर है सोचना, कि ग्राफ के थ्रू सोच लो कि पी और वी का ग्राफ अगर है तो वो ऐसे बनेगा चारों ही केस में, ठीक है. आइसोकोरिक प्रोसेस में तो होगा ही नहीं, वर्क डन बाय गैस जीरो ही होता है. आइडियाबेटिक का ज़्यादा स्टीप बनता है, फिर आइसोथर्मल का. ये क्वेश्चन भी दो तीन बार रिपीट हो चुका कि दो ग्राफ दे दिए, ये पूछिए आइसोथर्मल का कौन सा, आइडियाबेटिक का कौन सा है. तो ज़्यादा स्टीप होगा वो आइडियाबेटिक का होगा, और वो उससे ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा, ठीक है. तो